तो हद ही हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी आज तक। हाँ थैंक यू मम्मी जी, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी सुंदर नहीं हूँ मैं। हाँ मैं ना नॉन एसी में ट्रैवल करना प्रेफर करती हूँ, पर मेरी फैमिली है ना कहती है मैं लड़की हूँ, जैसे मुझे ही नहीं पता मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये A1 है ना, थैंक यू। अब लड़की का एसी से क्या कनेक्शन बना ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। वैसे भी पहली बार थोड़ी है कि अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मसो इस ट्रेन में, ये तो मानो सेकेंड होम है जी मेरा। 21, 22, 20। टिकट दिखाना प्लीज। ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी सीट है 23। ओ बॉस हेलो, ओ मेरी 23। बस ये पैसेज वाली सीट है, कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं भैया इंसिस्ट करती हूँ कि पैसेज वाली सीट ही देना मुझे। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं सुनकर, मगर मेरा फंडा थोड़ा अलग है, यही थोड़ी सफर खत्म होता है मेरा, आगे जाना है भटिंडा तक, वहाँ घर है मेरा, फैमिली है, सबकी होती है, वैसे मेरी भी है। लोग कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड का क्या मतलब हुआ, हम जैसे लोगों से तो बनता है क्राउड, खुद भीड़ का हिस्सा, तकलीफ भी खुद ही कर। मैं जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए, आई थी यहाँ जब मुंबई बॉम्बे था, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, पूरी जिंदगी हॉस्टल में निकल गई, कसम है आज के बाद कभी हॉस्टल में नहीं रहूंगी। आई होप कि बारिश होने के पहले रोड्स की डिगिंग बंद हो जाए, वरना पता है क्या होगा। अरे ओ भाई साहब, Tanisha was like really confident. I liked the way she said her dialogue, but I just felt, you know, it became a little monotonous. Otherwise, your body language, use of gestures was really very nice. I thought Tanisha was very cute, very bubbly, and it was a delight to see her. The dialogue, I guess, the scene is like that, that it kind of gets a little monotonous, yeah, and ma'am is absolutely right about it, that modulation is very important. But having said that, at the same time, I thought that your diction and your voice use actually did sound like Kareena only. So that was good for me.